दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसे अपने स्कूल टीचर से प्यार हो जाता है और अपने टीचर को पाने के लिए वो किस हद तक चला जाता है, देखेंगे आज की इस कहानी में। तो कहानी की शुरुआत लाना नाम की एक स्कूल टीचर को दिखाते हुए होती है जो एक मैरिड वुमन थी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था राशा। लाना जिस स्कूल में पढ़ाती थी वहाँ बैनी नाम का एक हैंडसम लेकिन शरारती हरकतें करने वाला लड़का भी पढ़ता था, जो लाना के क्लास में पढ़ाते वक्त सिर्फ उसे ही देखता रहता था, मानो जैसे वो लाना को प्यार करने लगा हो। ये देखकर लाना भी उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। उसे समझ में नहीं आता कि वो बैनी से कैसे डील करे क्योंकि वो उसका सिर्फ एक स्टूडेंट था। कभी कभी तो बैनी लाना के इतने करीब आ जाता था कि लाना को खुद पर कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इसीलिए लाना उसके अट्रैक्शन से बचने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। वो जितना हो सकता उतनी दूर उससे रहने की कोशिश करती थी। एक दिन लाना सुबह क्लास में पहुँच कर अपने सभी स्टूडेंट को टेस्ट पेपर बांटती है और उनको इंस्ट्रक्शन देने के बाद पेपर लिखने को कहती है। तभी वो नोटिस करती है कि बैनी पेपर में कुछ भी नहीं लिख रहा और उसी की तरफ देखे जा रहा है। लाना उसको इग्नोर कर दूसरी तरफ देखने लग जाती है। क्लास के बाद वो अपनी बेटी राशा को स्कूल से लेने जाती है। राशा उसे हक कर बताती है कि स्कूल बहुत बोरिंग था। इस पर लाना हंसने लगती है। फिर वो राशा को कार में बिठाती है कि तभी उसकी नज़र बैनी पर पड़ती है जो अपने डॉग को टहला रहा था। वो थोड़ी देर बैनी को देखने के बाद कार ड्राइव कर चली जाती है। अगले दिन लाना की एक स्टूडेंट जर्मी क्लास में प्रेजेंटेशन देती है। तभी लाना की नज़र दो लड़कियों पर पड़ती है जो फोन पर मूवी देखकर हंस रही थी। लाना उन्हें वॉर्न करते हुए फोन उनके बैग में रखने को कहती है पर वो लोग नहीं सुनती, तो लाना उनसे उनका फोन मांग लेती है और कहती है कि वो क्लास के बाद उसे लौटाएगी। इस पर वैलरी नाम की लड़की लाना को फोन देते हुए गंदी चुड़ैल कहती है, जिसे सुनकर क्लास के बाकी स्टूडेंट हंसने लगते हैं। लाना उस लड़की को कहती है कि वो स्कूल अथॉरिटी से उसकी शिकायत करेगी। जब ब्रेक के टाइम लाना चाय पी रही थी तभी अचानक उसकी नज़र बैनी पर पड़ती है जो वैलरी को परेशान कर रहा था। बैनी वैलरी के बैग से सारा सामान निकाल कर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वो उसके साइकिल को भी पटक कर खराब कर देता है। इस घटना के बाद लाना स्टाफ रूम में बैठकर एक दूसरी टीचर से बैनी के बारे में बात करती है। वो उसे बताती है कि वो बैनी के बारे में क्या सोचती है और बैनी कैसा रिएक्ट करता है। वो उस टीचर से उसकी राय लेना चाहती थी पर वो टीचर कंफ्यूज हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या राय दे। तब लाना उससे कहती है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। अगले दिन क्लास के बाद लाना बैनी से कहती है कि वो उससे कुछ बात करना चाहती है। वो उसे खाली क्लासरूम में ले जाती है और बैठने को कहती है। फिर उसका हालचाल जानने के बाद वो उससे पूछती है कि उसे स्कूल में अच्छा लग रहा है कि नहीं, पर बैनी उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता और उल्टा लाना से पूछता है कि वो उसे क्या चाहती है। लाना उसे कहती है कि उसे उसकी फिक्र है और ये भी कहती है कि उसे अपनी क्लास की लड़की के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। फिर उसे समझाते वो उसके घुटने पर हाथ रखकर कहती है कि उसे कोई हेल्प चाहिए तो बताए, पर बैनी उसके हाथ की तरफ देखकर मुस्कुराने लगता है तो वो तुरंत अपना हाथ हटा लेती है। बैनी कहता है कि उसे नहीं लगता कि वो सचमुच उसकी हेल्प करना चाहती है। लाना कहती है कि उसे उसकी फ्यूचर की फिक्र है क्योंकि पिछले टेस्ट में वो फेल हो गया था। लाना की बात सुनकर बैनी हंसने लगता है और कहता है कि फालतू की बातें करने की जगह वो सच बताए कि वो उसे क्या चाहती है। लाना को कोई जवाब नहीं सूझता तो वो मीटिंग का बहाना करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन जाने से पहले बैनी से कहती है कि जो कुछ भी वो कह रही थी वो उस पर गौर करे। अगली सुबह दौड़ने के बाद सांस लेने के लिए वो एक झील के पास रुक जाती है। सीन शिफ्ट होता है और क्लास के बाद वो देखती है कि बैनी का बैग जमीन पर पड़ा था। वो आसपास नजर दौड़ाती है कि कोई उसे देख तो नहीं रहा। फिर वो बैनी के बैग से उसका स्वेटर निकाल कर सूंघती है और वापस बैग में रख देती है। फिर दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर वो वॉशरूम में चली जाती है और वहाँ झुककर नल से पानी पीने लगती है। इसके बाद जैसे ही वो उठती है अपने सामने बैनी को देखकर नर्वस हो जाती है। बैनी उसके गुब्बारों को पकड़ लेता है पर लाना उसका हाथ हटा देती है, पर बैनी मुस्कुराते हुए दोबारा वही हाथ रख देता है और आगे बढ़कर कुछ ऐसा कर देता है। वो उसकी बाहों में खो जाती है पर तुरंत ही होश में आकर उसे रोक देती है और कहती है कि उन दोनों के बीच दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए और उसे धमकी देती है कि वो इसके लिए उसे स्कूल से निकलवा भी सकती है। वो बैनी से कहती है कि वो आग से खेल रहा है और जैसे ही जाने के लिए मुड़ती है बैनी चिल्लाकर कहता है कि वो ये सब करना चाहती है, पर लाना कहती है कि वो अपने किसी भी स्टूडेंट से प्यार नहीं कर सकती। अगले दिन स्कूल के हॉलवे में बैनी लाना से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे मिलना चाहता है पर वो मिलने से इनकार कर देती है। बात करते हुए वो लोग स्टेयर्स की तरफ चले जाते हैं। लाना कहती है कि उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था इसके लिए वो शर्मिंदा है। वो बैनी से कहती है कि वो उसका ख्याल अपने दिल से निकाल दे। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और पार्किंग लॉट में जाकर देखती है कि उसके कार का साइड मिरर टूटा हुआ था और उसकी कार पर स्क्रैच लगे हुए थे। फिर वो कार में बैठकर राशा को लेने उसके स्कूल में जाती है, जहाँ बैठकर वो बोर हो रही थी। सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को अपने घर पर गार्डनिंग करते हुए देखते हैं। उसका हस्बैंड वार्ड उससे पूछता है कि उसकी कार को स्क्रैच कैसे लगा, तो वो कहती है कि वो एक लैंप पोस्ट से टकरा गई थी। वार्ड कहता है कि लैंप पोस्ट से ऐसे स्क्रैच कैसे हो सकते हैं, तो वो कहती है कि कभी कभी ऐसा होता है। फिर वो लाना से कहता है कि उसकी चाय ठंडी हो रही है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन क्लास में लाना अपने
स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप के लिए एक लेटर लिखने को कहती है और सबसे पूछती है कि किसी को कुछ सवाल करना है। इस पर बैनी हाथ उठाकर उससे सवाल करता है कि क्या वो स्कूल में जॉब छोड़ना चाहती है, क्योंकि उसने उसे हेडमिनिस्टर के पास जाते हुए देखा था। उसकी बात पर पूरी क्लास हंसने लगती है। तब लाना कहती है कि वो हेडमिनिस्टर को उसकी कंप्लेन करेगी। इस पर बैनी कहता है कि लाना को हेडमिनिस्टर की तलवे चाटना पसंद है। उसकी बात पर लाना को गुस्सा आता है और वो उसके बैग को उठाकर क्लास के बाहर फेंक देती है और उसे कहती है कि या तो वो क्लास के बाहर चला जाए या फिर वो खुद चली जाएगी। इसी बीच एक लड़का बोर्ड की तरफ डस्टर उठाकर फेंकता है जो लाना को हिट करते करते बचता है। ये देखकर लाना क्लास के बाहर चली जाती है और स्टूडेंट चेयर करने लगते हैं। अगले दिन जब लाना घर पर राशा को पढ़ा रही होती है तब उसका फोन बार बार बजने लगता है, पर जब भी लाना फोन उठाती है दूसरी तरफ से कोई नहीं बोलता। अगले दिन जब लाना स्कूल जाती है तो टाइम से पहले बैनी को अकेला क्लास में बैठा देखकर डर जाती है और स्कूल की रिसेप्शनिस्ट को जाकर कहती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। इसके बाद वो घर चली जाती है। रात में डिनर के समय वॉल्ड से पूछता है कि उसका दिन कैसा रहा, तो वो झूठ बोल देती है कि वो सारा दिन स्कूल में पढ़ाती रही और अपने स्टूडेंट के एग्जाम पेपर्स भी चेक करती रही। अगले दिन राशा को स्कूल में छोड़ने के बाद वो काम पर नहीं जाती और एक नदी के किनारे रुककर एप्पल खाने लगती है। फिर वो म्यूजियम में चली जाती है और थोड़ी देर तक पेंटिंग्स देखने लगती है। अचानक उसकी नजर बैनी पर पड़ती है। उसे वहाँ देखकर वो घबरा जाती है और जल्दी जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, पर लिफ्ट में उसकी मुलाकात बैनी से हो जाती है। बैनी लाना से कहता है कि वो उसे मिस कर रहा था, इसीलिए स्कूल जाना चाहता था। फिर वो उसके गुब्बारों को छूने के लिए आगे बढ़ता है। लाना भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर उसके साथ लव लपाटा करने की कोशिश करती है, पर बैनी उसे रोक देता है और अपनी उंगलियों को उसकी बॉडी पर फिराने लगता है। उस रात लाना को बुरे सपने आते हैं कि उसकी फैमिली उससे दूर हो गई है और वो घबरा कर जाग जाती है। अगले दिन वो चुपके से स्कूल के एडमिनिस्ट्रेटर के ऑफिस में चली जाती है और वहाँ से एग्जाम पेपर चुरा कर लाती है। और जब सारे स्टूडेंट लंच करने के लिए कैफेटेरिया में चले जाते हैं तो बैनी को फंसाने के लिए वो पेपर उसके कोट में रख देती है। अगले दिन लाना ब्रेक रूम में बैठी टीचर से बात करते हुए देखती है कि कुछ सिक्योरिटी वाले बैनी को पकड़कर कहीं ले जा रहे थे। अब एग्जाम पेपर चुराने के इल्जाम में बैनी को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके जाने के बाद लाना उसे मिस करने लगती है और उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करती है। एक दिन लाना और राशा एक बुक स्टोर में जाते हैं। राशा को अपने फ्रेंड किम को गिफ्ट करने के लिए बुक खरीदना था, पर वहाँ जाकर राशा कपड़े से बना एक जानवर को लेने की जिद करने लगती है, पर लाना उसे मना कर देती है। थोड़ी देर में राशा कहीं गायब हो जाती है। लाना उसे ढूंढने लगती है और 45 मिनट तक ढूंढने के बाद जब वो नहीं मिलती तो लाना सिक्योरिटी वालों से सीसीटीवी दिखाने को कहती है। सीसीटीवी फुटेज में वो देखती है कि बैनी उन दोनों का पीछा कर रहा था। फिर वो राशा को स्टोर से बाहर निकलता हुआ देखकर पैनिक हो जाती है, पर तभी उसे वॉट का फोन आता है कि राशा उसके साथ घर पर है। ये सुनकर लाना खुश हो जाती है और सिक्योरिटी वालों से माफी मांगती है। फिर वो घर चली जाती है। उस रात जब उसका परिवार सो रहा होता है तो उसे बार बार दरवाजे पर दस्तक सुनाई देती है, जो उसका भ्रम था। वो बाहर जाकर चिल्लाती है तो वो आवाज शांत हो जाती है। फिर वो दरवाजा लॉक कर इमेजिन करती है कि वो बैनी के साथ रोमांस कर रही है। सारी रात इसी तरह बीत जाती है और सुबह वार्ड के आ जाने से उसका सपना टूट जाता है। वार्ड और लाना एक दूसरे को हक करते हैं। इसके बाद लाना अपनी कार ड्राइव करते हुए बैनी के घर पहुंचती है। वो थोड़ी दूर पर अपनी कार पार्क कर बैनी का वेट करती है और जब वो अपने स्कूटर में आता हुआ दिखाई देता है तो लाना उसका पीछा करती है। पीछा करते हुए वो एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है और वहां पहुंचकर वो अपनी कार की स्पीड बढ़ा देती है और अपनी कार से बैनी की स्कूटर को टक्कर मारकर उसे स्कूटर से गिरा देती है। फिर अपनी कार को पार्क करके थोड़ी देर के बाद वो कार से बाहर निकलती है और इससे पता चलता है कि बैनी से पीछा छुड़ाने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले सकती थी। और यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। ऐसी और स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को लाइक करें। धन्यवाद।